देखिए ये डोरी तो सिल ली है, अब सिंपल कुर्ती स्टिचिंग हम आपको बताएंगे कितना आसान है। देखिए यहाँ से फोल्ड करने के लिए निशान लगा हुआ है, यहाँ पे कट लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कट लगाएंगे तो अच्छे से दोनों बाजू में बराबर का फोल्ड होगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे बीच में ज्वाइंट है, कपड़ा कम था तो उस बाजू में बीच में ज्वाइंट आ गया था। पहले हम क्या करेंगे, बीच में ज्वाइंट को इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। ये हो गया, एक बाजू में ज्वाइंट कर लिए। अब दूसरे बाजू में देखिए हाफ इंची के मार्जिन पे ही लिए थे इसको ज्वाइंट करने के लिए। देखिए ये निशान लगा हुआ है, इतना ही मार्जिन। ये हो गया, अब देखिए इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो फोल्ड कैसे करेंगे, ये जो ज्वाइंट आया है बीच में इसको इस तरीके से इसको खोल देंगे। देखिए इस तरीके हो गया। ये मशीन मेरी नई है, अभी मेरा हाथ इस पे नहीं बैठा है तो इसलिए मैं इसे कम स्पीड पे चला रही हूँ। 2000 के स्पीड पे अभी सेट कर रखी हूँ इसे। यहाँ देखिए ये 2000 के स्पीड पे है, 1800 है ना, तो 1800 के स्पीड में लगभग 2000, ठीक है। इसको देखिए यहाँ से माइनस होता है, यहाँ से प्लस होता है, इसको सेव कर लेंगे। पहली बार सिल रही हूँ इस मशीन पे तो थोड़ा डर भी लग रहा है धीरे धीरे। और फिर मैं सोची कुर्ती स्टिचिंग भी मुझे वीडियो बनाना है कुर्ती स्टिचिंग के लिए, तो चले ये कुर्ती स्टिचिंग के लिए भी इसी पर बना लेते हैं। ये हो गया बाजू का, ये जो नीचे का फोल्ड होता है फोल्ड कर लिए। देखिए इस वाली बाजू में ना यहाँ पे आर्म होल नहीं छाटे थे क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट था, तो मैं सोची थी ज्वाइंट करने के बाद ही छाटेंगे। ये सीधा दोनों अंदर की तरफ करके, चाहे इधर से आप छाट दीजिए या इस तरफ से, ठीक है, किसी भी एक तरफ से आप दोनों को आधा आधा इंच इस तरीके से कट कर दीजिए। ये हो गया बाजू का काम खत्म। बाजू अब चले हम गला बनाते हैं। गला के लिए दोनों पल्ला में अलग अलग पट्टी रखा हुआ होगा कट करके, ये देखिए। पट्टी में भी जॉइंट है, इस तरीके से। अब मेरे शॉर्ट वीडियो में देखे होंगे कि गला पट्टी और गला एक साथ कैसे कटिंग होता है। मैं हमेशा इसी तरीके से कट करती हूँ, गला और गला पट्टी एक साथ। गला का ये फोल्ड कर दिए हैं, अब क्या करेंगे गला को सूट में ज्वाइंट करेंगे। ये पीछे का गला है तो पीछे के गला में डोरी लगाएंगे। डोरी अटैच करने के लिए यहाँ पे खुटका लगा लेते हैं।
चले। गला को इस तरीके से रखेंगे बराबर से और इसको यहाँ पे और जहाँ पे डोरी है वहाँ पे टिकिन लगा देंगे ताकि डोरी वहाँ पर से टूटे ना। पहले मैं अम्ब्रेला मशीन पे वीडियो बनाती थी तो उस आवाज़ की वजह से अम्ब्रेला मशीन में थोड़ी सी आवाज़ होती है तो साथ साथ वॉइस ओवर करके नहीं बना पाती थी। अभी इस वाली मशीन पे मैं साथ साथ वॉइस ओवर करके आपको समझा पा रही हूँ। इस तरीके से देखिए गला ज्वाइंट तो कर लिए, देखिए गला ज्वाइंट कर लिया। अब इसको हाफ हाफ यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे इस तरीके, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे कट का निशान लगा देंगे तो गला पट्टी उस तरफ एकदम अच्छे से फिनिशिंग से चला जाएगा। ठीक है, ये तो ज्वाइंट हो गया, अब यहाँ कट का भी निशान लगा दिए। अब क्या करेंगे ना कि इसको इस तरीके से खोल के और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस सूट के कपड़े पे नहीं, पट्टी के एकदम किनारे में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ताकि उस पर इस तरफ से अच्छे से फिनिशिंग से चला जाए सारा। तरीके से देखें ये हो गया, देखिए पीछे का गला बन गया है। अब इसको रखते हैं साइड, देखिए लगे हाथ ये छोटा छोटा जो धागा निकला हुआ रहता है उसको काटते हुआ चले आप, उससे क्या होगा कि आपके कपड़े में फिनिशिंग रहेगी और बाद में काटने का ये नहीं रहेगा। आगे वाले पल्ला का भी गला पट्टी में ज्वाइंट है तो ज्वाइंट को लगा लेंगे। ये हो गया, गला पट्टी को हाफ हाफ इंच फोल्ड कर देंगे। कैसे पहली बार इस मशीन पे सिलाई कर रही हूँ तो थोड़ा धीरे धीरे भी कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए इस तरीके से गला पट्टी को फोल्ड करने के बाद इस तरीके से यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हल्का टिकिन दे देंगे, नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो जब कांधी जुड़ेगा तो वो ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे इसको घुमाने के टाइम में आराम से और हाफ चाप और हाफ चाप जितना ये है ना फुट उतना ही थोड़ा सा जगह आप इस तरफ छोड़ा करें तो मार्जिन एकदम परफेक्ट आएगा कपड़े में। ये हो गया, अब चले एक्स्ट्रा जो पट्टी निकला गया और यहाँ पे थोड़ा कट लगा दीजिए। इसको कट लगा दीजिएगा तो एकदम अच्छे से फिनिशिंग से गला बनेगा आपका, यहाँ देखिए
ये हो गया। अब दोनों कांधे को देखिए, दोनों सीधा की तरफ अंदर रखेंगे। ये सूट सीधा की तरफ अंदर है और ये सूट सीधा की तरफ अंदर है, इस तरीके से रखेंगे और एक को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और ये फोल्ड करने के बाद इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, यहाँ पे चिकन लगा देंगे। ये एक कांधी जुड़ गया और दूसरे कांधी को भी इसी तरह अंदर, इसको इस जितना मुड़ने वाला है ये पट्टी, उसको फोल्ड करके इस तरीके से लगाएंगे। देखिए आप अगर बिगनर है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप सीधा करके दोनों जॉइंट को बराबर करें, दोनों जॉइंट को देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी आसान है। दोनों जॉइंट को बराबर करके देखिए, एक कांधी में इस तरीके से जॉइंट करके लगा दें। देखिए ये दोनों पट्टी खोलकर भी जॉइंट लगाएंगे ना, तो इसी तरीका से बन जाएगा। देखिए ये है ना, बन गया ना। देखिए दोनों पट्टी खोलकर भी आप अगर के जॉइंट लगाते हैं तो इस तरीका से, और अगर के आप एक पट्टी को अंदर रख के इसको लॉक कर देते हैं तब जॉइंट लगाते हैं तो भी अच्छा से फिनिशिंग आएगा। ये कांधी जॉइंट हो गया, ठीक है। कांधी जॉइंट होने के बाद आप इसकी सिलाई को बड़ा कर लीजिए। सिलाई बड़ा करने के बाद ये जो गला पट्टी है ना, इसको आप कचिया कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप हेम जब करिएगा तो एकदम फिनिशिंग से, या किसी से करवाते हैं तो अच्छे से फिनिशिंग से गला बनेगा। इसको कचिया कर लीजिए। देखिए आराम आराम से गला का जो घुमाव है वहां पे थोड़ा थोड़ा मशीन को घुमाइए। देखिए आप सिर्फ थ्योरी मत देखिए, प्रैक्टिकल भी कीजिए। अगर ये यहाँ से देखकर सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिकल भी कीजिए। जब सिलाई करने बैठ वीडियो देखने बैठी है तो आप सिलाई का कपड़ा, कैंची, इंच टेप, मेजरमेंट कर नाप ये सब लेकर बैठे कि हाँ मुझे सीखना है, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी देखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है।
ये हो गया, देखिए अब इसमें स्लीव ज्वाइंट करेंगे। स्लीव खुले में ज्वाइंट करती हूँ, स्लीव जो है ना इस तरीके से खुले में ज्वाइंट करती हूँ, ताकि जब कभी मतलब लूज करना हो कपड़े को तो ज़्यादा दिक्कत ना आए। देखिए इस तरीके से अब क्या करेंगे, जब स्लीव ज्वाइन करेंगे तो आगे का भी आर्म होल छाटा हुआ है और बाजू में का भी आर्म होल छाटा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे जो आर्म होल कटिंग किए थे हाफ इंची वो आगे वाले पल्ले में फिक्स हो। तो देखिए ये हाफ इंच कट किया हुआ है और आगे वाला पल्ला में भी हाफ इंच यहाँ से आर्म होल कट किया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से ज्वाइंट करेंगे और सीधा दोनों अंदर की तरफ, ये सीधा और ये सीधा, सीधा दोनों अंदर की तरफ और उल्टा दोनों, ये उल्टा है और इधर भी उल्टा है। सिलाई बड़ा किए थे तो उसको तो छोटा करना भूल ही गया। चले दो पे रख के सिलाई करते हैं। यहाँ से देखें और ये जो जॉइंट है स्लीव का जो पॉइंट है ऊपर में जो मेन है वो इस पे कंधे पे नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा सा आगे की तरफ, तभी स्लीव का जो कोना होता है वो आगे एकदम सीधा रहेगा, वरना पीछे की तरफ बाजू घूमेगा। ठीक है देखिए ये छोटा छोटा ट्रिक है जिससे आपका कपड़ा बहुत ही खूबसूरत और अच्छा फिटिंग बनता है। और ये जरूर ध्यान देंगे कंधे का जो ये जॉइंट है वो एक तरफ ही आए, दोनों साइड में, ये नहीं कि एक तरफ का इधर आ जाए और एक तरफ का पीछे की तरफ हो जाए, कपड़ा आगे से भी खूबसूरत लगे और अंदर की तरफ उल्टा की तरफ भी खूबसूरत लगे, उल्टा भी कपड़ा खिला रहे तो ये नहीं दो चार सिलाई मरा हुआ दे फिटिंग उल्टा टेढ़ा अंदर में दिखा हुआ। देखिए थोड़ा सा भी पॉइंट कम नहीं हुआ कपड़ा, यहाँ से लेकर एकदम फिटिंग आया है स्लीव। अब देखिए ये तो स्लीव ज्वाइंट हो गया, अब एक और सिलाई मारेंगे कहीं पे अगर टेढ़ा उड़ा हुआ होगा तो वहाँ पे सीधा भी कर लेंगे और मजबूत भी हो जाएगा। यहाँ से देखिए इस तरीके से तरफ का भी स्लीव इसी तरीके से ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से मैं अम्ब्रेला मशीन भी मोटर पे ही चलाती थी इसलिए ये मशीन चलाने में दिक्कत नहीं आई अभी तक। स्पीड कम करके चला रही हूँ, इसमें 4000 के इतना इसमें स्पीड है, मैं अभी 1800 पे चला रही हूँ, उसको भी पूरा एस्केलेटर नहीं लेती, हाफ एस्केलेटर ही ले रही हूँ, नया नया पहली बार चला रही हूँ, आज पहला सूट सिल रही हूँ। ऐसे तो मैं कतरन पे चला चला के देख रही थी, फिर सोची नहीं सूट ही सिल लेती हूँ और वीडियो भी बनाना था मुझे। यहाँ पे आर्म होल पे डबल सिलाई जरूर दीजिए आप।
चलिए आप फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। सिंपल कुर्ती सिलना बहुत आसान है, अगर आप बिगनर है तो प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से आपका काम बहुत आसान बन जाएगा। कोई काम किसी के लिए भी आसान नहीं होता, बस उनको प्रैक्टिस हो जाता है, एक काम बार बार करना तो उनके लिए आसान हो जाता है। अभी मैं इंची टेप कहाँ रख दी, ये हो गया नीचे का धागा ख़त्म। देखिए आपका काम जब लास्ट लास्ट होता रहेगा ना कि जल्दी जल्दी सिल जाए, तो धागा ख़त्म होना ही है, चाहे वो नीचे का हो या ऊपर का हो। अभी तो मैं नीचे का ही दी, नीचे मशीन के नीचे वाले बाइबिन केस का धागा ख़त्म हो गया। एक मिनट वेट कीजिए, मैं मशीन पहले धागा भर लेते हैं। ठीक है, चले धागा भर लिए हैं। अब यहाँ पे फिटिंग का निशान जो लगा हुआ है 1.5 इंची मार्जिन है, और फिटिंग का निशान मैं कटिंग टेबल पे लगा ली थी, जिस जैसे कि आप देखें कटिंग में, मेरे कटिंग वाली वीडियो में उठाकर देख लें, मैं कटिंग टेबल पे ही सिलाई का निशान लगा लेती हूँ। बस स्लीव का देख लेती हूँ, स्लीव में 5.5 इंच फिटिंग लगाना है। तो देखिए मैं 5.5 इंच इंची टेप से नाप ली हूँ और फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। देखिए यहाँ पे टाका लगा दी, टाका लगाना बहुत ज़रूरी होता है जहाँ पर आप सिलाई स्टार्ट करते हैं और जहाँ पर आप सिलाई ख़त्म करते हैं। चले अच्छे से कपड़े को देखें, थोड़ा सा भी कपड़ा नहीं खींचना है, जहाँ पर जो कपड़ा है वहीं पे डालिए, और जो जॉइंट है आर्म होल का जो जॉइंट है वो एकदम बारीकी से आराम से वहाँ पर आप अच्छे से हाथ से दबा लें, एक साथ रख कर। थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी भी नहीं ऊपर नीचे होएगा, अगर थोड़ा सा भी तो नीचे का जो दामन है वो भी छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होगा कि उससे हिप के यहाँ पर भी ऊपर नीचे हो जाएगा। आप यहाँ पर आराम से बॉल पिन का इस्तेमाल कर ले, अगर आप बिगनर हैं आपसे नहीं संभलता है कपड़ा फिसलने वाला है तो आप बॉल पिन का इस्तेमाल करें। ठीक है, आप बॉल पिन वहाँ पर लगा ले, सिलाई करने के बाद बॉल पिन हटा दीजिए। उसके बाद देखिए मैं फिटिंग का निशान लगाई हुई हूँ, बस उसी पे सिलाई लगाना है। उसी पे सिलाई लगाते हुए हिप के यहाँ पर, यहाँ पे कट का मार्क है, देखिए कट कट किया हुआ है, खुटका लगा हुआ है, उस खुटिए खुटके को एकदम आराम से सेम टू सेम मिलाना है, और जहाँ पे सिलाई ख़त्म करना है वहाँ पे सुई अंदर की तरफ रोकना है। देखिए यहाँ पे सुई अंदर की तरफ रोकना है, वहाँ पे मैं इशारा भी कर रही हूँ, यहाँ पे सुई अंदर की तरफ रोक देना है। वैसे भी मैं मशीन में सेटिंग कर रखी हूँ, इस मशीन जब ये मशीन जब रुकती है तो सुई अंदर की तरफ रुकती है। ठीक है, ये मशीन में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। चले मशीन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, मशीन में अभी नया नया ली हूँ मैं, जैसे कि बता रही हूँ आपको फर्स्ट कपड़ा मैं इस मशीन पे सिल रही हूँ, और वो भी वीडियो बनाते हुए। देखिए वहाँ पे सुई अंदर की तरफ रुक गया है, और आप कपड़े को इस तरफ से मैं घुमा ली हूँ, घुमाने के साथ आधा इंची या 1 इंची तक उसी सिलाई पे आपको सिलाई चलाना है। चले 2 इंची तक उसी सिलाई पे सिलाई चलाए, उस सिलाई 2 इंची तक सिलाई उसी पे चलाए, उसके बाद आधा इंची गैपिंग कर दे, ताकि लूज़ करने में, जैसे लूज़ करना हो किसी को तो एक सिलाई खोल ले, तो आधा इंची की गैपिंग पे कर दे 2 इंच के बाद इस तरीका से। देखें ये, देखिए यहाँ पे भी मैं टाका लगा रही हूँ, सिलाई ख़त्म करने के टाइम में भी, सिलाई ख़त्म करने के टाइम में भी टाका लगाएं। टाका लगाने से आपकी कपड़ी में मजबूती रहेगी। देखिए सिलाई फिनिशिंग से करें वो बहुत अच्छा है, ये नहीं कि बस सिलाई कर लिए आधा टेढ़ा कर लिए गंदा सा, नहीं, सिलाई तो सब लोग घर में करते हैं, हर लेडीज़, जब भी ज़्यादातर देखिए 90% लेडीज़ को सिलाई आती है, परफेक्ट सिलाई, अच्छी से सिलाई, जिसकी मांग हो डिमांड हो आप इस उससे अच्छे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, वैसा सिलाई आप सीखें। चले ये हो गया, फिटिंग का सिलाई लग गया। आप नीचे का दामन बनाते हैं, दामन बनाते हैं देखिए इस तरीका से, आप नाखून से भी कर सकते हैं, और आप प्रेस से करना चाहे तो प्रेस से भी कर सकते हैं। देखिए बुटीक सब में जो कपड़ा एकदम स्टैंडर्ड बना हुआ रहता है वहाँ आयरन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है, लेकिन हम रहे बहुत गरीब आदमी, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं तो बिजली बिल बचा लेते हैं। तो देखिए मैं नाखून से काम कर ली, और नाखून से करने के बाद कभी कभी जुगाड़ किया जाता है, ये कॉटन कपड़ा है आप नाखून मार सकते हैं क्यों, और आपको करते करते ना हैबिट हो जाएगी ना, तो थोड़ा सा भी 1 mm भी मतलब लूज, मतलब छोटा बड़ा नहीं होगा। देखिए इस तरीके से, देखिए ये सिलाई वाली इसलिए बना रहे हैं कि सूट पैंट हो प्लाजो कुर्ता हो ये सब पे सिलाई वाला चल जाता है, और अभी सिलाई वाला सूट का बहुत डिमांड है। देखिए रेडीमेड में सिलाई ही रहता है, इसी वजह से जितना भी रेडीमेड ब्रांडेड कपड़ा उठाए सब में ही चाक में सिलाई किया हुआ रहता है।
इस तरीके से यहाँ पे चाक के यहाँ पर नाखून से दोनों कपड़ा को दोनों तरफ करने के बाद नाखून से बीच में अच्छे से निशान जैसे नाखून से कर लें, और उसके बाद ऊपर जहाँ पर भी चाक का निशान है वहाँ से 1 इंची ऊपर की तरफ ले जाएं। ये देखिए, ये हो गया, सुई अंदर की तरफ रुक गया और कपड़ा को इस तरफ घुमा लेना है। इस तरफ घुमा लिए, अब इस तरफ जो दामन के लिए कपड़ा है 1.5 इंची मार्जिन, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और जो भी यहाँ पर झोल है ना, देखिए यहाँ पे है ना इस तरह से, तो ये नीचे की तरफ झोल को नहीं ले जाना, ऊपर की तरफ झोल को, पूरे झोल को उस तरफ से जितना भी कुछ रहा है कपड़ा, थोड़ा सा झोल आ रहा है वो ऊपर की तरफ, देखिए उंगली से ऊपर की तरफ कर दे। तो इससे क्या होगा, नीचे का जो दामन जब फोल्ड होगा तो थोड़ा सा भी उड़ेब नहीं बनेगा और बहुत अच्छे से कोई सिलवटें नहीं आएगी, बहुत अच्छे से फिनिशिंग से मुड़ जाएगा। इस तरीका देखिए, मैं जितना भी उसमें सिलवट था सबको ऊपर की तरफ जाने दी हूँ। और देखिए नाखून से, उंगली से भी, कॉटन कपड़ा में तो आप उंगली से भी इस तरह करेंगे तो वो प्रेस के जैसा हो जाएगा। इस तरीके से करने के बाद देखिए अच्छे से ये डेढ़ा मोड़ रही हूँ, अंदर की तरफ डेढ़ा करके, और उंगली को इस तरीके से रखें, देखिए इस तरीके से। ये मशीन तो बहुत फास्ट चलती है, लेकिन अभी मैं 2000 की स्पीड पे ही चला रही हूँ क्योंकि फर्स्ट बार चला रही हूँ। पहले भी मैं अम्ब्रेला मशीन भी मैं मोटर पे ही चलाती थी, इसीलिए ये मशीन मुझे हैंडल, मैं इस मशीन को मैं हैंडल कर पा रही हूँ क्योंकि पहले से मोटर पे चलाने का हैबिट था 6 साल से, 6 साल, हाँ 6 साल से। तो इसीलिए इस मशीन पे मैं पहली बार सिलाई करने बैठी हूँ तो कॉन्फिडेंस है कि सिलाई कर लूँगी, लेकिन कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए चाक बन गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से वीडियो बनाने का मन करता है कि हाँ लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। देखिए इस तरीके से चाक बनाए बहुत फिनिशिंग से, इसी तरह दूसरे तरफ से भी बना लेंगे, उसके बाद नीचे का सिलाई लगाएंगे। देखिए अब नीचे की तरफ से, दूसरे तरफ से भी इसी तरह, दूसरे तरफ से भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे। देखिए देखिए फिनिशिंग से और अच्छे तरीके से कपड़ा सिलेंगे ना, उल्टे साइड से भी आपके कपड़े में फिनिशिंग रहेगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। उल्टे साइड से भी आपके कपड़े में फिनिशिंग रहेगा, तो सीधे साइड से भी आपके कपड़े में फिनिशिंग रहेगा और उल्टे साइड से भी आपके कपड़े में फिनिशिंग रहेगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। देखिए आप बुटीक सब में या बड़े बड़े टेलर में कहीं भी आप कपड़ा सिलाते हैं ना, तो कपड़े की खूबसूरती, कपड़े का जो सिलाई होता है वो देखकर ही पता चल जाता है आपका फिटिंग परफेक्ट हो, कहीं पे भी थोड़ा सा भी धागा ना दिख रहा हो, कहीं पे भी एक सिलाई टेढ़ी नहीं रहती है, एक सिलाई की जगह दो सिलाई नहीं की रहती है, बस जो सिलाई ज़रूरी है बस वही करें। ये नहीं कि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारी लेडीज़ कपड़ा सिलती है घर में तो क्या करती है, एक सिलाई मार दी फिटिंग नहीं आया, दूसरा डाल दी फिर फिटिंग नहीं आया, तीसरा डाल दी, चौथा डाल दी, अरे कितना सिलाई दीजिएगा। देखिए सारा सिलाई को खोल दीजिए, जहाँ से फिटिंग है वहाँ से इंची टेप से मेजरमेंट करके फिटिंग का निशान लगाए और सिलाई कर दे, है कि नहीं, वो एकदम परफेक्ट एकदम अच्छे से सिलाई हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी दूसरी तरफ भी सेम उसी तरीके से चाक बना लेंगे, और देखिए थोड़ा सा भी 1 इंची भी 1 mm भी इधर उधर नहीं होगा कपड़ा फिटिंग में या इसमें। देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा आराम आराम से ही चला रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ क्योंकि ना मुझे डर लग रहा है कि सिलाई जैसे कपड़े से नीचे ना उतर जाए, ये फोल्ड पर से नीचे उतर जाएगा ना तो वहाँ पर से जब सिलाई ज्वाइंट करते हैं ना तो वो दिखता है कि हाँ यहाँ से सिलाई दोबारा से ज्वाइंट किया गया, इसलिए मैं चाक पे थोड़ा आराम से धीरे धीरे चला रही थी क्योंकि वहाँ पर जब नीचे दामन में ज्वाइंट दिखेगा ना, सिलाई का ज्वाइंट, जैसे एक सिलाई जहाँ पर टूट गई हो दूसरा सिलाई वहीं पर से स्टार्ट हो तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो कभी भी आप सिलाई करें ना, देखिए इस तरीके से चाक बना लिए और दोनों चारों कपड़े को अच्छे से पकड़ के झाड़ देंगे, उसके बाद नीचे से कपड़ा को बराबर कर लेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरीके से कैमरे में नहीं आ पाया, इस तरीके से चारों पल्ला को पकड़ने के बाद झाड़ देंगे अच्छे से, और यहाँ से नीचे में थोड़ा भी ऊबड़ खाबड़ कपड़ा है ऊपर नीचे हल्का भी तो आप उसको कट कर दें। इससे क्या होगा कि आपका दामन जो फोल्ड होगा वो भी एकदम बराबर से होगा बहुत अच्छे से, इस तरीके से। देखिए अब देखिए ये कट कर लिया हम, अब इसको फोल्ड करेंगे नीचे से,
नीचे से फोल्ड करेंगे। तो नीचे से फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा भी कपड़ा खींच नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से देखिए उड़ेब है। नीचे से जब हम दामन मोड़ते हैं ना तो वो थोड़ा उड़ेब रहता है, तो उड़ेब रहता है तो इसको क्या करेंगे ना, देखिए उसके लिए भी जब आप नीचे से फोल्ड करिएगा ना तो वो हल्का सा उड़ेब उड़ेब रहेगा, टेढ़ा टेढ़ा सा। तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, इस तरीका से आप सिलाई लगाए, यहाँ पर टाका दे दें, टाका नहीं लगाइएगा ना तो सिलाई खुल जाएगी। देखिए इस तरीका से टाका लगा दिए, इस तरीका से देखिए इसका भी एक ट्रिक है। नीचे का कपड़ा जब उड़ेब रहता है, खींचता है तो थोड़ा टेढ़ा मेरा हो जाता है, तो पीछे से उंगली लगा दे, जैसे जैसे सिलाई आगे की तरफ जाए पीछे से आप उंगली लगा कर रखें। देखिए इस तरीका से उंगली लगा कर रखेंगे तो कपड़ा खींचेगा नहीं, उड़ेब नहीं होगा, बहुत अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई हो जाएगी। दोस्तों सिलाई सभी कर लेते हैं, लेकिन आप एकदम परफेक्ट सिलाई करेंगे, अच्छे से सिलाई करेंगे, खूबसूरत दिखेगा तो आपके पास बहुत कस्टमर आएंगे। जब आप खुद अच्छा कपड़ा बनाकर पहनेंगे ना, आपको कस्टमर चाहिए ना कि हाँ मेरा कस्टमर बढ़े, मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आए, तो आप खुद भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े बनाकर पहने। ये मेरा ट्रिक है, मैं आपको इसे शेयर कर रही हूँ। और अपनी बहन को, जैसे मेरे टाइम में मेरी एक बहन थी, छोटी बहन थी, उसको मैं डिज़ाइन डिज़ाइन के कपड़ा पहनाती थी, धोती सलवार, अफगानी सलवार, फ्रॉक, जो भी अम्ब्रेला फ्रॉक, जो भी मतलब डिज़ाइन देना रहता था कोई भी कपड़े में, तो मैं उसी बच्ची के, मतलब छोटी थी, 3 साल की 2 साल की, तो छोटे बच्चे में कपड़ा ज़्यादा नहीं लगता है कष्ट। उस टाइम में क्या था ना कि पटियाला जब बनता था तो सूट बहुत छोटा पहना जाता था, तो सूट में से कपड़ा निकल जाता था अच्छा सा, अच्छा खासा तो बन जाता था। तो डिज़ाइन देकर ना आप अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को डिज़ाइनर कपड़ा पहनाएं, तो खुद से डिज़ाइन करके, ये नहीं कि डिज़ाइनर कपड़ा मार्केट से लाकर, खुद से डिज़ाइन करके अच्छे कपड़े पहनाएं, तो लोग देखेंगे तो तारीफ़ करेंगे, पता चलेगा कि आप अच्छा कपड़ा बनाती हैं, अच्छा डिज़ाइन बनाती हैं, तो आपके पास कस्टमर आएंगे और आपका अच्छा खासा पैसा भी हो जाएगा, आप अच्छा खासा काम आएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए इस तरीके से मैं पूरे सूट को तैयार कर ली हूँ, वीडियो बनाते हुए तो 30 मिनट लग गया, लगभग 30 से 35 मिनट सूट बनाने में, लेकिन ऐसे जब मैं आंख बंद करके किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देती, बस सिलाई पे ध्यान देती हूँ, तो 15 मिनट 17 मिनट में एक समीज बन गया, 15 मिनट 17 18 मिनट में या 20 मिनट में सलवार बन गया, और पैंट बनाना हो तो वो तो 15 मिनट में ही बनता है, 15 मिनट पूरा पूरी 15 मिनट में पैंट या प्लाजो बन जाता है। तो आँख बंद करके मतलब इधर उधर नहीं देखना, सीधा सिलाई पर ध्यान रखना है, तो वो जल्दी बन जाता है। लेकिन वीडियो बनाकर बनाना हो, वीडियो बनाने वीडियो के साथ साथ तो कैमरा पे भी ध्यान देना पड़ता है, क्या आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे गला में हेम करेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ, बस गला में हेम होगा और चाक के यहाँ पे एक काज बनेगा। इस तरीके से पूरा सूट तैयार हो गया है मेरा, और इस तरीके से छोटा छोटा धागा कहीं पे भी आपको छूट जाए तो वो ज़रूर कट कर ले, उससे भी बहुत कपड़ा गंदा लगता है। और प्रेस कर ले, और प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बिजली बिल का इशू है या बिजली बिल ज़्यादा आती है, तो कॉटन कपड़े को आप अच्छे से नाखून से दबाकर अच्छे से तह लगा दीजिए, और बेड पे आपका मैट्रेस है या बिस्तर के नीचे उसको रख दीजिए, और बेड तो इस्तेमाल होता है उठना बैठना सोना, तो नीचे प्रेस हो जाएगा। ये मेरा ट्रिक है, सीक्रेट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।